ड्रग्स मामले में एनसीबी ने आज मुंबई के वर्ली इलाके में सूर्यदीप नाम के एक आदमी के घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। शौविक से पूछताछ में सूर्यदीप का नाम सामने आया। एनसीबी को शक है कि संदीप नाम के ड्रग डीलर से सूर्यदीप ने देसी गांजे की खेप सुशांत तक पहुंचाई थी। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, ये सूर्यदीप का कनेक्शन कहां तक दिख रहा है? जी देखिए अर्पिता, सूर्यदीप मल्होत्रा जो एक अहम किरदार है जिसको कि एनसीबी ने पकड़ा है, ये न केवल शौविक का बचपन का दोस्त है बल्कि इसकी सीधी जो घुसपैठ थी वो रिया चक्रवर्ती के घर में थी। जो न्यूज़ 18 इंडिया के पास जो 55 सवालों की लिस्ट है उसमें इस सवाल का जिक्र भी किया गया है कि जिस वक्त यूरोप ट्रिप छोड़ के सुशांत वापस आए थे और रिया चक्रवर्ती के घर रह रहे थे, उस दौरान सूर्यदीप मल्होत्रा आपके घर क्या करने आए थे? ये सवाल सीधा सवाल था जो रिया चक्रवर्ती से पूछा गया था। 6 तारीख को जो उनके बयान लिए गए थे 16/2020 में, उसमें उनसे सवाल पूछा गया था और इसकी बाकायदा जो सबूत वो हमारे पास है। सूर्यदीप मल्होत्रा जो संदीप नाम का एक शख्स पकड़ा गया था जो ऑटो चलाता है, उससे जो देसी गांजा की जो खेप है वो लेके मिरांडा के जरिए सुशांत तक पहुँचता था। जो सवाल है 55 सवाल, उसमें ये सवाल भी पूछा गया था कि आपने घर के एक सदस्य को क्यों घर से निकाला था, और आपको ये बात जब मिरांडा ने बताई थी कि देसी गांजा जो है या जो हानिकारक जो ड्रग्स है जो बहुत ज़्यादा सुशांत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उसकी खेप अगर लगातार आ रही थी और वो भी ज़्यादा पैसे में आ रही थी, तो क्या आपने इस बारे में सुशांत को बताया था या आपने इस खेप को रोकने के लिए कोई प्रयास किया था? इस सवाल पर रिया चक्रवर्ती कोई जवाब नहीं दे पाई थी, यही गिरफ्तारी के आधार बने थे आगे जाके। आनंद रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हुई। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि ड्रग्स मामले में जांच कर रही एजेंसी फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियों को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश में एक्ट्रेस सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम भी सामने आया। और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने सारा अली खान से कई बार ड्रग्स ली थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर से जुड़ी है जिसकी तलाश में एनसीबी जुटी है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक कुछ ड्रग पेडलर से सारा और रिया दोनों के संपर्क थे, और यही नहीं सारा दूसरे ड्रग पेडलर से भी ड्रग्स लेती थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सारा ने रिया को भी ड्रग्स पेडलर से ड्रग्स दिलवाती थी जो कि सुशांत तक पहुंचाई जाती थी, और यही नहीं सुशांत की लोनावाला के केयर टेकर रईस ने भी एनसीबी और सीबीआई को दिए अपने बयान में सारा अली खान का नाम लिया था और बताया था कि वो कुछ महीने तक सुशांत के लोनावाला वाले फार्म हाउस में आती थी। सुशांत के लोनावाला वाले बंगले के केयर टेकर रईस ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि सारा कई महीने तक सुशांत के साथ आती थी और दोनों लोग पार्टी करते थे। तो वहाँ कौन कौन आता था जो भी आपने सीबीआई को, तो थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए क्या है क्या नहीं। वही जो सारा तो आती थी, सारा अली। हाँ, और रिया तो कंटिन्यू, बाकी दूसरा ऐसा कोई नया आदमी कोई नहीं आया। अच्छा, सारा कितनी बार आती है, सारा अली खान कितनी बार आई है? वो लगभग नवंबर दिसंबर से उनका शुरू हुआ था, लगभग जनवरी फरवरी तक 2019 तक आती थी। 2019? हाँ, मतलब 2018 से लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास तीन चार महीना आई वो 2018 और 2019। तो जब वो आती थी तो क्या रिया भी साथ में रहते थे? नहीं, रिया के साथ में नहीं करी है। जो इतना हल्ला हो रहा है ड्रग्स के मामले में, सबको जांच कर रहे हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो क्या कुछ ऐसा ड्रग्स वग्स की पार्टी होती थी, आप कुछ आइडिया था आपको? सर, मैंने तो कभी इनको ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ, मतलब स्मोकिंग तो बहुत बार करते हुए देखा हो, ड्रिंक करते हुए देखा हो। अभी ऐसी चीज है कि ये अभी रोल कर रहे हुए सिगरेट सोचते थे उनके हाथ में, जो क्या बोलते हैं उसको, स्मोकिंग पेपर जो रोल करते हैं ना, जो मतलब जो स्मोक के सिगरेट अलग आता है और वो जो रोल करा हुआ बनाया हुआ सिगरेट अलग आता है। ओके, वो जो उसको क्या बोलते हैं, रोल बोलते क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, तो वो वैसे उनके हाथ में देखा हूँ और ड्रिंक का ग्लास देखा हुआ। अभी उसके अंदर वो क्या पीते थे, वो गांजा पीते थे, चरस पीते थे या कोई ड्रग्स लेते थे वो पता नहीं।